नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन स्वागत करता हूं आप सभी का navbharattimes.com में। दोस्तों, इस साल जन्माष्टमी का त्यौहार 30 अगस्त को मनाया जाएगा। इस दिन भगवान कृष्ण के बाल स्वरूप की भी पूजा की जाती है और आपने देखा होगा कि भगवान कृष्ण की प्रतिमा और तस्वीरों में दिखाया जाता है कि वह मोर मुकुट धारण करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भगवान कृष्ण मोर मुकुट क्यों धारण करते थे, उन्हें मोर मुकुट इतना प्रिय क्यों था? अगर नहीं तो आइए जानते हैं कि भगवान कृष्ण के मुकुट धारण करने के पीछे का रहस्य क्या है। दोस्तों, धार्मिक पुस्तकों में उल्लेख मिलता है कि भगवान कृष्ण को मोर मुकुट बहुत पसंद था, इसलिए हर समय वह मोर मुकुट धारण करते थे। वहीं ज्योतिषीय जानकारों की माने तो वह भी यह बात तो मानते हैं कि भगवान कृष्ण को मुकुट बहुत पसंद था, लेकिन साथ ही एक वजह और भी है जिसके कारण भगवान कृष्ण मुकुट यानी कि मोर मुकुट धारण करते थे। ज्योतिषीय जानकारों की माने तो भगवान कृष्ण की कुंडली में काल सर्प दोष मौजूद था और इसके बुरे प्रभावों को समाप्त करने के लिए भगवान कृष्ण यानी मोर पंख का मुकुट पहनते थे। ज्योतिषीय जानकार मानते हैं कि कालसर्प योग से जुड़े सभी लक्षण भगवान कृष्ण की जिंदगी में देखने को मिलते हैं। भगवान कृष्ण भले ही विष्णु भगवान के अवतार रहे हों, लेकिन मनुष्य जन्म धारण करने पर उनको कई चुनौतियों का सामना जीवन में करना पड़ा था। कृष्ण भगवान का जन्म कारागार यानी जेल में हुआ था। सिर्फ यही नहीं, जन्म के बाद से ही उन्हें अपने माता पिता से दूर रहना पड़ा था। बचपन से ही भगवान कृष्ण के जीवन में कई कठिनाइयां आई थी, इसलिए माना जाता है कि कालसर्प दोष के प्रभाव को दूर करने के लिए भगवान कृष्ण मोर मुकुट धारण करते थे। सिर्फ यही नहीं दोस्तों, मोर पंख धारण करने से राहु के बुरे प्रभावों से भी मुक्ति मिलती है, इसलिए ज्योतिषियों द्वारा राहु की महादशा में मोर पंख अपने पास रखने की सलाह दी जाती है। तो दोस्तों, यदि आपकी कुंडली में भी कालसर्प दोष है और इसके बुरे प्रभाव से आप पीड़ित हैं, तो आप भी अपने पास मोर पंख रखकर कालसर्प दोष के बुरे प्रभावों से बच सकते हैं। मोर पंख को घर के वास्तु दोष को दूर करने के लिए भी प्रयोग में लाया जाता है। घर का वास्तु सही नहीं है तो आप घर के मुख्य द्वार के बाहर मोर पंख का एक गुलदस्ता रख दें। ऐसा माना जाता है कि इससे वास्तु दोष दूर हो जाता है। ज्योतिषीय जानकारों की माने तो भगवान कृष्ण भी जिस मोर पंख के शुभ प्रभावों से अपने जीवन में सकारात्मकता लाने का प्रयास करते थे, उसे यदि आम लोग भी इस्तेमाल करें तो अवश्य ही उनके जीवन में भी सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिलते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको हमारे द्वारा दी गई यह जानकारी पसंद आई होगी। ऐसी ही रोचक जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और देखते रहें navbharattimes.com। नमस्कार।